दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है साइंस क्लास तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सिक्स जो कि है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस तो अपने एवरीडे लाइफ में तो आपको मैनी चेंजेस आपने सराउंडिंग्स में देखा ही होगा ये सबसेंस जो होते हैं उनमें एक सबसेंस या उनसे ज़्यादा हो सकते हैं तो यहाँ पर पे आपका पेपर स्पीसीस भी दिखाया गया है इसमें दो तरीके का चेंज होता है जैसे कि फिजिकल और केमिकल फिज़िकल चेंजेस तो फिज़िकल चेंजेस में आपका एक्टिविटी दिया गया है सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू और सिक्स पॉइंट थ्री जिसमें सिक्स पॉइंट वन में आपको कहा गया है कि आप एक पेपर का पीस लीजिए उसे फोर स्क्वायर्स में कट कर दीजिए और इस पेयर को स्क्वायर पीस को आप फर्दर इंटू फोर पीस में कन्वर्ट कर लीजिए और इसमें आपको टेबल या फ्लोर पर रखना है और इसका शेप आपको औरिजिनल पीस के ऊपर से आपको ये ऑब्जर्व करना है यानी कंपेयर करना है तो यहाँ पे आप सिक्स पॉइंट फोर भी देख सकते हो सिक्स पॉइंट फाइव में भी एक्टिविटी ही है आपको यहाँ पे हैक्स ऑफ हैक्स ऑफ ब्लेड को होल्ड करने को बोला है आपको कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव पर आपको गैस स्टोव पर रखना है और आपको फ्यू मिनट्स तक ऑब्ज़र्व करना है और आपका टिप जो है ब्लेड का वो चेंज होता है नहीं ये आपको ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे है प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज़ और कलर जो कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस होता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो चेंज होता है उनके सब्सटेंस में वो ताकि फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज और जो फिज़िकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है यानी जो सब्सटेंस होता है वो चेंज नहीं होता है न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है तो केमिकल चेंज है तो केमिकल चेंज में आपका आपने कभी पीस ऑफ आयरन देखा ही होगा तो आप ओपन में उसे रख देते हो तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो ब्राउनिश हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रस्ट और जो प्रोसेस होता है तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग तो इसीलिए आयरन गेज जो होते हैं पार्क्स में या फार्मलैंड में तो उसे कलर किया जाता है ताकि वो रस्ट ना हो यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन के तो सिक्स पॉइंट सिक्स में भी एक्टिविटी है आपको यहाँ पे थ्रीन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है तो उसे क्लीन करना है एक सैंड पेपर से और उसे कैंडल के सामने उसे रखना है यानी उसके नज़दीक लाना है तो उसे आप जब बर्न करोगे लाइट तो ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है और पाउडर ऐश में कन्वर्ट होता है तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कैसे दिखता है तो आपका इक्वेशन भी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है एम तो ये आपको बेसिस ऑफ द टेस्ट आपको ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक आप लिटमस पेपर का भी यूज़ कर सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है तो आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो पढ़ा ही होगा कि एक बेस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक नए सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाते हैं तो यहाँ पे है एक्टिविटी सिक्स पॉइंट सेवन टू बी डेमोस्ट्रेटिड बाई द टीचर ये डेमोस्ट्रेट करेगी आपकी टीचर और यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्स पॉइंट फोर में यहाँ पे आपका फिगर दिखाया गया है चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सॉल्फ सॉल्यूशन सोल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन तो रिएक्शन ऑफ आयरन के वजह से ये कॉपर जो है वो कलर चेंज होता है तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर आपका कॉपर सॉल्यूशन का भी रिएक्शन दिया गया है कॉपर सॉल्फ़ेट सॉल्यूशन प्लस आयरन जो कि देगा आयरन सॉल्फ़ सॉल्यूशन प्लस कॉपर तो एक्टिविटी सिक्स पॉइंट एट भी है यहाँ पे आप देख सकते हो लाइम वाटर को टेस्ट करने बोला है यहाँ पे आप एक टी स्पून विनेगर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में तो आप एक बेकिंग सोडा जो है उनमें डाल दोगे तो ये आपका हिसिंग साउंड आएगा और बबल्स देख सकते हो आप उसके गैस से कमिंग आउट हो रहे होते हैं और जो गैस होते हैं वो पास होते हैं लाइम वाटर के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये लाइम वाटर को क्या होता है जैसे विनेगर है एसिडिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में रिएक्ट करते हैं तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और सब्सटेंसेस तो रिएक्शन ऐसे होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर जो कि सी एच टू है कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री प्लस वाटर ठीक कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होता है लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और जो लाइम वाटर है मिल्की हो जाते हैं और टर्निंग ऑफ लाइम वाटर जो है मिल्की में ये एक टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर तो ये आप चैप्टर टेन में ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में तो एक्टिविटीज़ में आपको सिक्स पॉइंट सिक्स और सिक्स पॉइंट एट में दिखा ही है आपने पढ़ा ही है तो बोझ जो है ये सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होने के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे सिक्स पॉइंट एट में विनेगर जो है बेकिंग सोडा के साथ प्रोड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस को यहाँ पे निकालते हैं ताकि वो लाइम वाटर मिल हो जाए यहाँ पे है चेंज जो कि एक चेंज होता है या वन और मोर सब्सटेंस के द्वारा होता है तो उससे हम कहते हैं केमिकल चेंज और जो केमिकल चेंज है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल चे, चेंजेस जो है इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के ऊपर भी ये सब्साइस जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं एज अ केमिकल चेंज के ऊपर एग्जाम्पल है आपका इफ़ अ मेटल इज टू तो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओड तो आयरन जो है उन्हें आयरन ओर से निकाला जाता है और केमिकल चेंजेस इसमें ज़्यादा होते हैं प्रोसेस ज़्यादा होता है जैसे कि हमें डिटर्जेंट चाहिए होता है वो भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं यहाँ पर आप केमिकल चेंज के ऊपर यहाँ भी देख सकते हो साउंड में भी प्रोड्यूस होता है कलर में चेंज आता है गैस में भी फॉर्म होता है तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके जैसे कि है बर्निंग ऑफ कोल या चारकोल या वुड और लीव्स जो कि के एक केमिकल चेंज है यहाँ पे आप एक्सप्लोजन ऑफ आयर भी देख सकते हैं वो भी एक केमिकल चेंज ही है और आपने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में तो पढ़ा ही है चैप्टर फाइव में तो रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है तो आयरन जो है वो ब्रिजेस या शेप्स कार्स ट्रक्स में काम आते हैं और जो प्रोसेस होता है रस्टिंग का वो इक्वेशन के द्वारा भी हम लिख सकते हैं जैसे कि है आयरन प्लस ऑक्सीजन जो कि हमें देगा वाटर के साथ रस्ट आयरन ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री और जो रस्टिंग है वो उसमें प्रेजेंस होना चाहिए ऑक्सीजन और वाटर का जो कि वेरी इम्पोर्टेंट होता है और जो रस्टिंग है उसमें ज़्यादातर जल्दी होता है ह्यूमिड डेज में तो इसमें हम प्रिवेंट कैसे करेंगे रस्टिंग को तो रक्सी रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं यानी हम अप्लाई कर सकते हैं पेंट और ग्रीस का आयरन के ऊपर ताकि वो जल्दी रस्ट ना हो या हम उसमें लेयर भी डाल सकते हैं मेटल का जो कि है क्रोमियम और जिंक और आयरन का और जो प्रोसेस है उसमें डिपोजिशन ऑफ लेयर जो कि जिंक और आयरन का यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन तो ये हम हमारे घर में भी यूज़ कर सकते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन क्या है तो आप क्रिस्टल्स तो आपने देखे ही होंगे वो प्योर नहीं होते हैं वो छोटे छोटे शेप के होते हैं और ये हमें आसानी से दिखाई ना दे दिखाई नहीं देते हैं और इसे जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो उससे उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन और ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है सिक्स पॉइंट नाइन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स है जो कि डिजोल्व किया गया है वाटर में और इसमें डायली सल्फरिक एसिड भी यूज़ किया गया है तो ये कंटिन्यू एडिंग सॉल्फेट ऑफ कॉपर सॉल्फ़ेट का ऐड करेंगे तो ये क्या होगा डिजोल्व होगा या नहीं फिल्टर द सॉल्यूशन इसमें फ़िल्टर करने के बाद आप क्या देख सकते हो ये क्रिस्टल्स के ऊपर तो ये आपको ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बोला है कि फिज़िकल और केमिकल चेंज होते हैं वो हमें पढ़ा ही है हमें अपने आसपास को चेंजेस को ऑब्जर्व करना है कि वो फ़िज़िकल है या केमिकल चेंज है ताकि हमें और भी आसानी से पता चले तो ये आपका चैप्टर यहीं पे हो जाता है फिनिश तो यहाँ पे थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर